और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो कल मुझे ना एक कमेंट आया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात लिखी थी कि यार हर बंदे के बारे में सोच रहे हैं, तो यार जो हम मिडिल क्लास फैमिली है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो चलो, गरीबों के बारे में तो सोच रही है सरकार, मतलब खाना खुना दे रही है, बहुत अच्छी बात है। तो यार मिडिल क्लास के, जो मिडिल क्लास फैमिली है, मैं अपने माध्यम से उनके बारे में बताना चाहता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में, कि यार उनको क्या प्रॉब्लम में हो रही है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सिर्फ ये मेरा मोटिवेशन है इस वीडियो को बनाने का। ऐसे ही मतलब कि ये लॉकडाउन हुआ, हर चीज़ बंद हो गई, अब 14 अप्रैल तक बंद रहेगा। तो चलो यार, कि जो गरीब बंदे हैं उनको चलो खाना दे रहे हैं, सरकार प्रोवाइड करा रही है, लेकिन सरकार भी इतना ज़्यादा जो ग्राउंड में वो हो नहीं रहा है। तो चलो, जो IRDP में उनको मुफ्त आटा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो मिलना चाहिए, अच्छी बात है। और यार जो मिडिल फैमिली के बंदे हैं उनको तो कुछ भी नहीं है। कि सपोज़ करो कि यार वो बंदे जिन्होंने MTech किया हुआ है, MSc की हुई है, जो बद्दी या नालागढ़ में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के हैं उनको, वो तो IRDP में भी नहीं है। अब वो घर पे आ जाएंगे तो यार उनको तो प्रॉब्लम है कि यार राशन कहाँ से लेंगे। वो बेचारे शर्माते हैं कि यार हम इतने पढ़े लिखे हैं तो मांगे उनको अच्छा नहीं होता है। तो यार सरकार उस बारे में भी सोचे। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ यार, अब आप सोच लो कि यार मैं YouTube से कमा रहा हूँ, यार हर चीज़ जब बंद है, लॉकडाउन है, ना कोई ऐड आ रही है, ना कोई कुछ आ रहा है, तो मैं कहाँ से कमाऊँगा यार। और मेरी भी जॉब थी, ठीक है, अब वो भी बंद बंद है भैया, ठीक है। जब जॉब बंद है, प्रोडक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो जॉब तो पैसे कहाँ से आएंगे, आप खुद समझ सकते हो। तो यार सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि यार उन बंदों को भी, मतलब कि उनकी तरफ भी देखना चाहिए जो मिडिल क्लास के बंदे हैं। जो अमीर है उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं है, अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। और जो मिडिल क्लास के बेचारे वो उसी चीज़ में रह जाते हैं। अब जैसे चलो हमारा घर तो चल पड़ता है कि यार डैडी है, वो उनको पेंशन मिलती है, और जिन बंदों के घर में कोई मतलब पेंशन नहीं मिलती यार, वो मिडिल क्लास बंदे कैसे चलाएंगे। फिर सब्सक्राइबर ने भी लिखा कि यार हम मिडिल क्लास के बंदे कहाँ जाएंगे, जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना हमारे पास मतलब कि राशन भी ख़त्म हो गया, राशन भी उन बंदों को मिल रहा है कि यार जिनके IRDP या अंत्योदय वाले बंदे हैं। अब मिडिल वाले तो IRDP में नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने BTech की है, MSc की है, PhD वगैरह की है, अब जॉब तो उनकी भी चली गई है। तो यार इस चीज़ के लिए ना भाई सरकार को, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए यार। और इस मैसेज को आप जितना आगे फॉरवर्ड कर सकते हो यार, हाथ जोड़ के विनती है यार, भैया हमारे लिए भी सोचो कुछ यार, मिडिल क्लास वाले बंदों के लिए भी, तभी तो देश चलेगा ना। कुछ बंदों को ऐसा लगेगा कि यार वो शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, तो पता नहीं मैं कितना कमा लूँगा। यार भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर इतना नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। और मेरे तो यार कितने कितने सब्सक्राइबर, 4,500 सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज़ आते हैं। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि यार सरकार तक हम जैसे बंदों की बात पहुँचे, तब जाके है कि हमारे लिए भी कुछ सोचे यार। क्योंकि पता है क्या है, हम मिडिल क्लास वाले बंदे हैं, थोड़ा शर्माते हैं कि यार अगर ये कुछ देंगे तो ये सोचेंगे कि यार इनके पास कुछ है ही नहीं है। फिर जो भी देते हैं तो उनको उनका वीडियो बना देते हैं कि यार इतना दिया, वो दिया, वो चीज़ें नहीं करने चाहिए यार। मुझे तो शर्म लगती है, कोई मुझे देगा तो सोचेंगे कि यार इनके घर में कुछ है नहीं है। और होता है नहीं है भैया, जब जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, तो ये तो आप सोच सकते हो कि हाँ डैडी है, डैडी की पेंशन से चल रहा है घर, मेरी भी अभी सैलरी नहीं है, जब मैं काम ही नहीं करूँ सैलरी कहाँ से आएगी। तो वही ना, और जो दिहाड़ी वाले मजदूर है यार, उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को कि दिहाड़ियाँ बंद हो गई है, वो खाने से ही उनका पेट भरेगा यार। कुछ ना कुछ तो उनको सोर्स करने चाहिए पैसे, कुछ जो भी, अभी 500 रुपये जनधन खातों में दिए गए हैं, आधे बंदों ने तो बनाए ही नहीं। जैसे मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, जैसे आस पड़ोस के बंदे हैं कि हमने जनधन खाते नहीं बनाए, उसके अंदर 500 रुपये, तो 500 रुपये क्या होगा बताओ आप। अब जैसे बच्चे हैं उनके, ठीक है, तो यार बच्चे भी तो फ्रूट वगैरह मांगेंगे, तो चलो राशन से मानता हूँ पेट भर गए, बच्चे छोटे छोटे होते हैं कि यार कुछ खाने के लिए हैं, फ्रूट वगैरह मांगेंगे, तो यार वो कहाँ से आएगा। तो इस चीज़ को आप केंद्र सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, सरकारें जो जो अपने स्टेट की है तो उनको सोचना चाहिए, तब जाके हर बंदे का वो होगा। क्योंकि जॉब्स तो बंद है लॉकडाउन के, अभी ये लॉकडाउन आगे और बढ़ेगा, पता नहीं अप्रैल 31 या अप्रैल मई तक चले ये, क्योंकि आप समझ सकते हो। तो यार जितना आप इस वीडियो को शेयर करें, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, आप समझ सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही है। मैंने फिर आप बोलते हो कि यार लंबा वीडियो बना दिया है, मैं सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए बोल रहा हूँ, सबको यार सोचना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करना, इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता हर चीज़ बंद पड़ी है, शट डाउन। तो मैं, और चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊंगा 2-3 दिन के बाद में, सोच के क्या करना है क्या नहीं करना है।